अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और क्लास 10th हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है विष के दांत, इनका ऑब्जेक्टिव जानना चाहते हैं, इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं यानी आप गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव को आप अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हो। यहाँ पर हिंदी क्लास 10th के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ए में है मध्य वर्ग, बी में है उच्च वर्ग, सी में है निम्न वर्ग, डी में है दलित वर्ग। इनका सही ऑप्शन आपको क्या होगा? इनका सही ऑप्शन क्या होगा? मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर एक होगा मध्य वर्ग। मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर दो है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बेटियों के अनुसार, बी में है खोखा के अनुसार, सी में है मदन के अनुसार, डी में है गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार? ऑप्शन बी खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी होगा खोखा के अनुसार। उसके बाद है कि ऐसे ही लड़के, क्वेश्चन नंबर तीन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन ए सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी सेन साहब, ऑप्शन डी सोफर। इनका सही ऑप्शन क्या होगा? सेन साहब। जोर से बोलना है। सेन साहब। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी सेन साहब। चार ऑप्शन आपके सामने आप दिए गए हैं, आप आसानी से मोबाइल को चला करके सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 8,500, ऑप्शन बी है 7,500, ऑप्शन सी है 6,500, ऑप्शन डी है 5,500। इनका सही ऑप्शन क्या होगा? 7,500। ऑप्शन बी 7,500। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। चार ऑप्शन है, बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, सी में है मछली, डी में है विष के दांत। कौन होगा? ऑप्शन डी विष के दांत। क्वेश्चन नंबर छः है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। ऑप्शन बी 5। ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर सात है कि खोखा किसको कहते हैं, किसु को, कुसु को, कासु को, केसु को। ऑप्शन सी कासु को। ऑप्शन सी कासु को। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर आठ है कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री, बंटी। आरती। ऑप्शन ए आरती। जोर से बोलना है। क्वेश्चन नंबर नाइन, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी इंजीनियर। ऑप्शन डी इंजीनियर। तो इनका सही ऑप्शन होगा डी इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर दस है, मदन ने कासु के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन सी 2। तो ऑप्शन सी इनका 2 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी बत्तख, ऑप्शन डी मछली। ऑप्शन बी हंस। हंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, सेन साहब का मित्र क्या था। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी शिक्षक। ऑप्शन सी पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 13,
नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जन्माना कौन सी भाषा भाषी थे? चार ऑप्शन है संस्कृत, मगही, हिंदी, भोजपुरी। बोलो कौन होगा? ऑप्शन डी भोजपुरी। ऑप्शन डी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 14, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? चार ऑप्शन रत्नावती शर्मा, बी में है रत्नामती शर्मा, सी में है पद्यावती शर्मा, डी में है देवकी शर्मा। ऑप्शन ए रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, मदन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए खुराना, ऑप्शन बी श्रीधर लाल, ऑप्शन सी बंशीधर, ऑप्शन डी गिरधर लाल। ऑप्शन डी गिरधर लाल। क्वेश्चन नंबर 16, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए में है उच्च वर्ग के, ऑप्शन बी है निम्न वर्ग के, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग के, ऑप्शन डी है वंचित वर्ग के। ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 17, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए खोखा से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी पड़ोस के बच्चों से, ऑप्शन डी सेन साहब के पुत्रियों से। ऑप्शन डी सेन साहब के पुत्रियों से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड, बी में है मारुति 800, सी में है इंडिका स्ट्रीमल, ऑप्शन डी है डिजायर मोटर कार। ऑप्शन ए स्ट्रीमल इंड। स्ट्रीमल इंड। उसके बाद 19 में है कि दुर्दलित सब का शब्दार्थ है, चार ऑप्शन है ए में दुलारा, बी में सुशील, सी में उड्डंत, डी में लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। कौन ऑप्शन होगा इनका सही? ऑप्शन डी लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? चार ऑप्शन है नीले रंग की, ऑप्शन बी है लाल रंग की, ऑप्शन सी है काले रंग की, ऑप्शन डी है उजले रंग की। ऑप्शन सी काले रंग की। क्वेश्चन नंबर 21, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मिलर स्कूल में, ऑप्शन बी जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, ऑप्शन सी पटना हाई स्कूल में, ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 22, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए बिजनेसमैन, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। ऑप्शन ए बिजनेसमैन इंजीनियर या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 13, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? चार ऑप्शन मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 24, गिरधर लाल कौन है? चार ऑप्शन कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। ऑप्शन बी मदन का पिता। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 5-6 साल, ऑप्शन बी 7-8 साल, ऑप्शन सी 3-4 साल, ऑप्शन डी 9-10 साल। ऑप्शन ए 5-6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? चार ऑप्शन फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में।
ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। क्वेश्चन नंबर 28, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, डी में है 24 अप्रैल 1918। ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? एम है गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी है कृष्णा घाट पटना में, ऑप्शन सी है बदर घाट पटना में, ऑप्शन डी है रानी घाट पटना में। ऑप्शन सी बदर घाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 30, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी है पंडित दशावतार शर्मा। ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा। उसके बाद 31 में, दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा की, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी मोहन राकेश की, ऑप्शन डी प्रेमचंद की। ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा की। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। ऑप्शन डी माता पिता को। क्वेश्चन नंबर 33, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किसु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। ऑप्शन सी खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को, किसको? ऑप्शन ए गिरधर लाल को। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, पिता के हाथों से। ऑप्शन डी पिता के हाथों से। अब क्वेश्चन नंबर 36, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961। उसके बाद सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? गिरधर लाल के व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, उसके बाद मुखर्जी साहब के व्यंग से। पत्रकार महोदय, ऑप्शन बी पत्रकार महोदय के व्यंग से। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सी विद्यालय उपयुक्त बताते थे? चार ऑप्शन, संत जोसेफ, किंडरगार्टन, संत जॉन, लोयला स्कूल। ऑप्शन बी किंडरगार्टन। ऑप्शन बी किंडरगार्टन स्कूल। 39, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? चार ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञेय, नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। अब क्वेश्चन नंबर 40, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे। चार ऑप्शन, प्राचीनता के, बी में है भक्ति के, सी में है नवीनता के, डी में है सामाजिकता के। ऑप्शन सी नवीनता के। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो
यहाँ पर देख सकते हैं एम है कि मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, बी में है सिंह साहब की फैक्ट्री में, सी में है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, डी में है सेन साहब की फैक्ट्री में। ऑप्शन डी सेन साहब की फैक्ट्री में। दुर्दमनीय का शब्दार्थ है, दुर्दमनीय का सरदार शब्दार्थ है बोलो। ऑप्शन ए मुश्किल कार्य करने वाला, ऑप्शन बी मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके, ऑप्शन सी दमन करने योग्य, ऑप्शन डी कठिनाई को दमन करने वाला। ऑप्शन बी मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके। तैतालीस सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था। चार ऑप्शन समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार, अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। ऑप्शन सी खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार। विष के दांत कहानी ली गई है कहां से। ऑप्शन बी विष के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से। तो इस प्रकार से विष के दांत से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे सभी का यहाँ पर आपने आंसर जाना। हिंदी के रेस्ट बचे चैप्टर का भी आंसर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।